प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फॉर्म 5 मार्च से भरे जाएंगे। योजना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। शनिवार को कलेक्टर ने प्रेस वार्ता आयोजित कर योजना की तैयारियां साझा की। उन्होंने कहा कि जिले में अनुमानित 3 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए आधार समग्र आईडी होना जरूरी है। कलेक्टर ने अपील करते हुए कहा कि महिलाएं जल्दबाजी न करें और एक ही दिन में फॉर्म भरने के लिए न उमड़े। शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में हितग्राहियों को चिन्हित करने 5 मार्च से घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा और 25 मार्च से प्रत्येक पात्र महिला से आवेदन भरवाने शिविर लगाए जाएं। घर घर सर्वे के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि चिन्हित हितग्राहियों के बैंक में खाते हो। यदि किसी हितग्राही का बैंक खाता नहीं है तो उनका खाता खुलवाइए और उसे आधार से लिंक करवाइए। उन्होंने प्रयोग के तौर पर किसी एक गांव का चयन करने और 1-2 दिन के भीतर वहां सर्वे करने का सुझाव भी दिया ताकि हितग्राहियों को चिन्हित करने में आने वाली कठिनाइयों का समय रहते निराकरण किया जा सके। बैंकों में भी नया खाता खोलने के लिए अलग काउंटर का प्रयास करेंगे। इसके अलावा यह भी बहना की आय साल भर में 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 5 एकड़ से अधिक जमीन भी नहीं होना चाहिए। परिवार की आय 2,50,000 से अधिक न हो। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। करा दी है तो इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इनमें किस काम में कितना टाइम लगता है तो एक दिन में आसानी से कितना काम हो जाए, ताकि चूंकि ये स्कीम में टाइम बहुत है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन में काम होना 4 दिन में होना है, क्योंकि बड़ी स्कीम है, टाइम लगता है, समस्या ही आएंगी। तो समस्या को हल करने की हमारा ये प्लान है कि आधार वाला काम एक दिन मकदे करेगा, उस हिसाब से हमारे लोग वहां पर लेके जाएंगे। बैंक में कितना काम होगा उतना लेकर के लोग बैंक में जाएंगे। तो इस तरह से पूरा पूरा एक 3 चीजों में मतलब बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि चूंकि आधी आबादी हमारी महिलाओं की है और आधी में से जो आबादी है उसमें से कम 70-75% महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जो मजदूर वर्ग है, जो जिन पर जमीन भी ज्यादा नहीं है, ज्यादातर गांव की महिला है, सब इसी कैटेगरी में आएंगे। पूरा पूरा एरिया कवर होगा। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर लाडली बहना योजना प्रारंभ करने का निर्णय शासन ने लिया गया है, और उसमें लाडली बहना में जो महिलाओं को जो पात्रता मिलेगी उसकी शासन की ओर से विस्तृत गाइडलाइन जारी हो चुकी है, विभिन्न मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सबके पास पहुंच रही है। इसका धरातल पर अच्छा क्रियान्वयन कैसे हो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री की परसों बेसी हुई थी, कल मेरे द्वारा भी सारे अधिकारियों की मीटिंग ली गई है, और इसके लिए गाँव में शहर के वार्डों में हम लोग टीम बना करके इसका सर्वे करा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जिसमें जो आएगी वो लोगों की महिलाओं के समग्र के नाम को लेकर के, या आधार के नाम को लेकर के, या बैंक में उसका अकाउंट है उसमें उसका आधार से EKYC वगैरह करा करके और DBT का, ये जो इश्यू हम लोगों ने भी चिन्हित किए हुए हैं, और इसके लिए हम लोग सर्वे के दौरान, ये सर्वे हम लोग 10 मार्च से 20 मार्च में सर्वे करा रहे हैं। इस सर्वे के दौरान ऐसे लोगों का जो समस्या आएंगी उनको हल करने के लिए हमने निर्देश जारी किए हुए हैं। 25 मार्च से जिले में कैंप के माध्यम से महिलाओं के आवेदन लिए जाएंगे, उसका पूरा एक कार्यक्रम जारी किया गया है। पूरे कार्यक्रम में पहले सर्वे होगा, महिलाओं का फार्म भरवाए जाएंगे, उस फार्मों की पूरी सूची को गाँव में और शहर में अनंतिम सूची जारी करके उस पर दावे आपत्ति लिए जाएंगे, और ये पूरी प्रक्रिया 31 मई तक हमको पूर्ण करना है, और 10 जून को पहली किस्त के रूप में शासन की ओर से महिलाओं को इसमें 1,000 रुपये की राशि दायक की जाएगी। इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो इस तरह से हैं कि महिला की उम्र 23 साल से 60 साल के बीच में होना चाहिए, उसके घर में कोई सास की नौकरी में ना हो, किसी तरह का संविदा नौकरी या सास की नौकरी ना हो, उसको किसी भी योजना का 1,000 रुपये से उसको लाभ पहले से ना मिलना हो, उसके पास में 5 एकड़ से अधिक जमीन ना हो, और उसके परिवार की जो आय है वो उसकी 2.5 लाख से ज़्यादा ना हो। ये मोटे मोटे होती हुए हैं। किसी भी महिला से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा, ना तो उसे आय प्रमाण पत्र लिया जाएगा या कोई डॉक्यूमेंट इकट्ठा नहीं किया जाएगा, उसका फार्म गांव-गांव में कैंप लगा करके और वार्डों में कैंप लगा करके निःशुल्क भरा जाएगा। इसमें किसी को कोई एक पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। जो समस्याएँ आएंगी उसमें आधार को लेकर के या उसके अन्य चीज़ों को लेकर के, उन समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। अभी 10 तारीख को हमने बैंकर्स की बैठक रखी है ताकि बैंकों में उनको समस्या ना आए। शासन के जो मुख्य महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी जो योजना है,
लाडली बहना योजना उसका क्रियान्वयन के लिए प्रारंभिक तैयारी जिले में पूर्ण कर ली गई है। मुझे उम्मीद है कि इसमें जो आने वाली समस्याओं का हम लोग बीच में निराकरण कर लेंगे और जिले में लगभग जो अनुमान लगाया गया 3 लाख के आसपास महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। उसमें शासन की जो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।